दोस्तों, अगर आईफोन के सबसे पहले सीक्रेट की अगर मैं बात करूं, जो कि नया iOS 11 में ये अपडेट आया है, आप सीरी को जो वॉइस के साथ कमांड देते थे बोल के, अब आप सीरी को टेक्स्ट के साथ भी कमांड दे सकते हैं। मतलब आप कीबोर्ड के थ्रू सीरी में टाइप करके उसे कमांड दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसे देखते हैं कि इसे हम कैसे करेंगे। दोस्तों, इसके लिए हमें सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाके हम लोग को जाना होगा जनरल में, और जनरल में जाके एक्सेसिबिलिटी, और इसमें सीरी में जो आप टाइप टू सीरी दिख रहे हैं, ये डिफ़ॉल्ट आपका डिसेबल रहेगा। मैं इसे इनेबल करके रखा हूँ, सो आपको भी इनेबल करना है। और जब आप सीरी ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये टाइप करने का ऑप्शन इसमें आ गया। आप इसमें कुछ भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं जो बतलाने जा रहा हूँ नेक्स्ट फीचर्स, वो मुझे काफ़ी पसंद है आईफोन में। और वो ये है कि आप सीरी में कोई बैकग्राउंड में अगर आपका गाना या सॉन्ग बज रहा है, तो आप सीरी को जस्ट एक कमांड दे सकते हैं कि आइडेंटिफाई दिस सॉन्ग। तो सीरी आपको बतला देगा कि ये कौन सा गाना है, कौन से एल्बम का है या कौन सा मूवी का है। ठीक है दोस्तों, उसके लिए जस्ट आपको सीरी को ओपन करना है, और या तो आप टाइप कर सकते हैं आइडेंटिफाई दिस सॉन्ग, या आप उसे बोल सकते हैं कि आइडेंटिफाई दिस सॉन्ग। बट यहाँ पे कोई सॉन्ग बज नहीं रहा है, तो मैं आपको दिखला नहीं सकता हूँ। बट दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा स्पीच टेक्स्ट में क्या होता है कि आप जो भी टेक्स्ट जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो लिखा रहता है, या आप किसी के बारे में पढ़ते हो या देखते हो, उस टेक्स्ट को अगर चाहें तो आप सीरी पे या जो एप्पल का जो ये वॉइस है उसमें आप इसको छोड़ सकते हैं कि वो आपको पढ़ के उसे बताए। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सेटिंग में जाके, एक्सेसिबिलिटी में जाके, और आप स्पीच को स्पीक स्क्रीन लिखा हुआ है, इसे मैंने इनेबल कर रखा है, ये डिफ़ॉल्ट ये भी डिसेबल रहता है, इसे आपको इनेबल करना होगा। उसके बाद क्या होगा कि टू फिंगर से आपको इसे इनेबल करना होगा, इनेबल और डिसेबल। सो आप ऊपर से स्क्रीन के टॉप वाले हिस्से से आपको दो फिंगर को जस्ट नीचे ड्रैग करना है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया। लेकिन इसमें कुछ स्पीकेबल कंटेंट नहीं है, जिस वजह से आपको ये बोल के नहीं बताया। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी कंटेंट अगर आप एक ही कलर को अपने फ़ोन में जो आपका थीम है उसको देख देख के अगर आप बोर हो गए हैं, तो उसे भी आप चेंज कर सकते हैं। एक iOS 11 में एक नया अपडेट है, जिसमें आप जनरल में, एक्सेसिबिलिटी में जाकर, डिस्प्ले एकोमोडेशन में, ये आप देख रहे हैं इन्वर्ट कलर है, इसमें आपको जाना होगा। स्मार्ट इन्वर्ट और क्लासिक इन्वर्ट है। जैसे आप स्मार्ट इन्वर्ट प्रेस करेंगे, ये देखिए पूरा इन्वर्ट हो गया कलर। जो पहले टेक्स्ट था ब्लैक में और वाइट था बैकग्राउंड, अब देखिए ठीक उसका उल्टा हो गया। उसी तरह से ये आप इसे क्लासिक इन्वर्ट में भी कर सकते हैं। दोस्तों, पाँचवा है हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर। जी हाँ दोस्तों, आप जो देख रहे हैं मेरा जो स्क्रीन है, मैं जो वीडियो बना के आपको दिखला रहा हूँ, ये आईफोन का स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, और एक नया फीचर है ये। आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको जनरल में जाना होगा, और इसके लिए आपको कंट्रोल में जाना होगा। दिस इज कंट्रोल सेंटर एंड कस्टमाइज कंट्रोल्स, और उसी में नीचे आप देख रहे हैं कि ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन है, ये आपके नीचे में इस पार्ट में रहेगा मोर कंट्रोल्स में, और वहाँ से आपको प्लस साइन पे क्लिक करके इसे ऊपर लाना होगा, जैसा कि मैं ला रखा हूँ। तो जब जैसे ही ऊपर आ जाएगा, आपका ये स्मार्ट कंट्रोल में आ जाएगा, जो आप नीचे से ड्रैग करके इसको ऊपर खींचते हैं। देखिए दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आईफोन में ट्रिपल टैप फिंगर को कैसे इनेबल करते हैं? तो आइए दोस्तों, इसके लिए हम देखते हैं कि इसे कैसे इनेबल करेंगे। आपको इसके लिए जनरल में जाना होगा, जनरल में एक्सेसिबिलिटी, और सबसे नीचे में आप देख सकते हैं एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट है। इसमें जाके दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे एक्सेसिव टच, रिड्यूस वाइट पॉइंट, स्मार्ट इन्वर्ट कलर और स्विच कंट्रोल यहाँ पे डाल रखा हूँ। आप चाहे तो कुछ इसमें और ऐड कर सकते हैं, या कुछ रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये क्या है कि आपको जस्ट इसमें सेलेक्ट कर लेना है जो आपको ऑप्शन चाहिए, और फिर आप बैक हो जाइए। और जब आप आईफोन का होम स्क्रीन जो बटन है उसको ट्रिपल टैप करेंगे, तो देखिए एक आपके सामने ऑप्शन आ गया। यहीं से आप सेलेक्ट करके इनेबल या डिसेबल कमांड को ये कर सकते हैं। जैसे एक्सेसिव टच है, आप इसको अगर चाहेंगे तो ये टच करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो होम स्क्रीन का मेरा बटन था, वो होम बटन वो गायब हो गया। सो आप ऐसे करके होम बटन को भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ। एक्सेसिव टच पर मैंने क्लिक किया, देखिए आप एक होम बटन मेरा आ जाएगा। ये देखिए, ये होम बटन है मेरा। ठीक है, ताकि आपको बार बार ये बटन को प्रेस ना करना पड़े, इसलिए आपके पास होम बटन होता है। दोस्तों, आप जो आईफोन में जब स्क्रीन शॉट लेते हैं, सो होम बटन और पावर बटन के थ्रू इवन सबसे पहले आप पावर दबाते हैं, फिर होम दबाते हैं। सो देखिए, मैं यहाँ पे एक स्क्रीन शॉट लिया हूँ। आप इसे जस्ट
यहीं से ओपन करके और आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं इसे, कलर चेंज करके, ब्रश चेंज करके, और आप कुछ डिमार्केट करके यहीं से इंस्टेंट चेंज करके आप किसी को इसे भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, दोस्तों नेक्स्ट है कस्टम वाइब्रेशन। कस्टम वाइब्रेशन बहुत लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हैं। सो आइए इसे देखते हैं कि कस्टम वाइब्रेशन कैसे सेट करें। इसके लिए सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाके मैं तो जनरल में हूँ यहाँ पे, खैर जनरल नहीं जाना है, सेटिंग में जाके आपको जाना है साउंड में, और फिर आपको जाना है रिंगटोन में। और देखिए यहाँ वाइब्रेशन लिखा हुआ है जो कि डिफ़ॉल्ट है। आप चाहें तो ये इस लिस्ट में से आप वाइब्रेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं या अपने हिसाब से नया वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्रिएट अ न्यू वाइब्रेशन, इसके लिए क्या करना होगा, ये स्क्रीन है और यहाँ पे जहाँ पे आप टच करेंगे वो हिसाब से आपका ये वाइब्रेट होता रहेगा। मेरा स्क्रीन अभी वाइब्रेट हो रहा है, आपको ये नहीं पता चलेगा, लेकिन आप इसको खुद में ट्राई कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट है एक्सटेंशन नंबर को कैसे डायल करेंगे। तो अगर आपको एक्सटेंशन पता है किसी नंबर का तो आप इस पर इस तरह से डायल कर सकते हैं। उसके लिए आपको डायल पैड में जाना होगा, आप स्टार को अगर लॉन्ग प्रेस कीजिएगा तो सिर्फ यहाँ पे स्टार ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो सो अगर आपको एक्सटेंशन नंबर पता है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर डाल रहा हूँ और ये मोबाइल नंबर है और इसके आगे का एक्सटेंशन आपको पता है, तो यहाँ पे स्टार को अगर प्रेस करेंगे इस जगह पे तो देखिए कॉमा भी यहाँ पे आ जाता है। स्टार को लॉन्ग प्रेस करने के बाद कॉमा के बाद आप यहाँ पे एक्सटेंशन नंबर डायल कर सकते हैं। सो इस प्रकार आप एक्सटेंशन नंबर डायल करके आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आईफोन में कैलकुलेटर हम सभी लोग यूज करते हैं। सो इसमें हम लोग कभी देखे हैं कि ये जब कुछ नंबर हम यहाँ पे डायल करते हैं और हमें इरेज करना है तो इरेज हम कैसे करेंगे। सो इरेज करने के लिए जस्ट अपने उंगली को, आप जो आपका फिंगर है उसे आप जस्ट लेफ्ट और राइट स्लाइड करके आप इसे इरेज कर सकते हैं डिजिट को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा पैनोरमा मोड। जब आप कैमरा ओपन करते हैं और इसमें पैनोरमा मोड को आप ओपन करते हैं सी, तो इसमें क्या है कि आप जो देख रहे हैं डायरेक्शन, ये लेफ्ट टू राइट आप पैनोरमा मोड में फोटो लेते हैं, ऐसे कैप्चर करते हैं। सो आप अगर चाहें तो आप राइट टू लेफ्ट भी ले सकते हैं। इसके लिए जस्ट आपको ये जो एरो दिया हुआ है इस एरो पे जस्ट एक क्लिक करना है और आप देखिए इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा इमरजेंसी SOS मोड को कैसे इनेबल करेंगे। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाके आपको इमरजेंसी SOS को क्लिक करना होगा ये, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लीप वेक 5 टाइम्स और